नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। डिलीवरी बॉय की बात करें तो जब आप ऑनलाइन खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद कितनी मेहनत से आपको बता दिया जाए या कितनी मेहनत से वो आपके घर में खाना जो है वो डिलीवर करते हैं, और उसी के चलते आज स्विगी डिलीवरी बॉय जो है रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ समस्या है इनकी, क्या कुछ आज ये रोड पर लेके अपनी समस्या जो आए हैं इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है इनका। सर, आज आप रोड पर अपना धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या है? मैडम, प्रॉब्लम हमारी एक ही है, रेट कार्ड की। जो लास्ट टाइम हमारा रेट कार्ड था 1200 रुपये था जी, ठीक है। अभी इन्होंने रेट कार्ड चेंज किया अर्ली द मॉर्निंग, 14 आज सुबह ही चेंज किया। हाँ, रात को हमें 12 बजे के मैसेज आ गया कि सुबह का आपका रेट कार्ड जी होगा। उसमें रेट कार्ड था कि 14 ऑर्डर का 800 रुपया, ठीक है। 14 ऑर्डर का और मतलब हम करेंगे 800 रुपया। पहले था 12 ऑर्डर का 800 रुपया, ठीक है। 10 ऑर्डर का 750 रुपया था। अभी देखो, हम सुबह 12 से लेकर रात को 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, हमारे ऑर्डर कम्प्लीट नहीं होते हैं। हम 14 नहीं कर पाते हैं, हम 12 नहीं कर पाते थे, 800 नहीं मिलता, अब 14 काम करेंगे। एक पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय को टारगेट दिया जाता है कि आपको ये 14 ऑर्डर जो है वो आपको, वो उसकी मेहनत है। 14 करे, 16 करे, 18 करे, 20 करे, वो उसकी मेहनत है, वो उसको मिलता था। अब इन्होंने रेट के चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि आप 14 ऑर्डर करोगे 800 मिलेगा। देखो, 100 रुपये लीटर तेल हो गया, नॉर्मल हमारा 300-400 रुपये तेल लगता है, ठीक है। राइडर भूखा तो नहीं मरेगा, उसने खाना तो है ना, घर लेकर क्या जाएगा, 300 रुपया। आप बताओ कि 300 रुपये घर कैसे चलेगा, आप बात समझ रहे हो ना। आप बताओ कि ना बारिश ना धूप, हम कुछ नहीं देखते, ऑर्डर पड़ता हम डिलीवर करते हैं। तो एंड में हमें ये मिला कि आप भाई 14 ऑर्डर करो 800 ले जाओ। इनके तो हमारे 14 ऑर्डर नहीं कंप्लीट हुए, अब हमारी जितनी अर्निंग होगी 250-300 वो हम लेकर घर जाएंगे, इससे क्या बनेगा हमारा। हम यही चाहते हैं, हमारी कोई इशू नहीं है, यही है कि जो हमारा पुराना रेट कार्ड था वो हमें लॉन्च किया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पुराना था वही दिया जाए। जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारा जो रेट कार्ड है पहले वाला ही दिया जाए। अब हमें खुद बताइए, अगर 14 ऑर्डर पे हमें पहले जो 1100 मिला था अभी जाके 800 कर दिया उन्होंने, तो ये तो बहुत मुश्किल है। और तेल भी हमें कंपनी नहीं देती है, वो हम खुद ही डलवाते हैं। लगता है आपको कि ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं उसके चलते इन्होंने, अगर ज़्यादा आ रही है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यही है, तो हमारी अर्निंग भी बढ़नी चाहिए ना। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब हमारी अर्निंग बढ़नी चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी न्यू जर्नी क्यों कर रही है, अगर लॉस में तो बंद कर दे, जो पुराने राइडर उनको ऑर्डर दें, फिर न्यू जर्नी कोई बात नहीं की हमारे से। इस बारे में कंपनी ने कोई बात नहीं की। कल परसों रात को मैं ऑर्डर देने गया हूँ 11 बजे रात को, ये देखो कुत्ते ने काटा है मेरे को, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया उसके बारे में। आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर देने डिलीवरी करने गए थे, खाना डिलीवरी करने गए थे रूपनगर, और आप देख सकते हैं इन्हें कुत्ते ने वहाँ पर काट दिया, तो कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। अभी हमने अपने टीएल से बात की थी, टीएल बोलता है इसका कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भी है कंपनी 2-3 दिन हॉस्पिटल रहोगे फिर आपको कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। उसका हमारे को क्या फ़ायदा है, हम घर से कमाने आए हैं, गवाने आए हैं, बताओ मेरे को। मेन मुद्दा हमारा ये है कि भाई हमारे को पुराना रेट कार्ड वापस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। और हम दोनों साइड का रेट कार्ड सेम चाहिए, जैसा मर्जी हो, जो मर्जी करें हम वैसे रेट कार्ड चेंज करके दें हमारे को, बस हमारे को ये नो थैंक यू, बस जो बोलना था मैंने बताया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं सर, आपसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम, जो हमने बोला वही बात है हमारे लिए भी, हमें रेट कार्ड हमारा पुराना ही वापस चाहिए बस, और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कि कंपनी घाटे में चल रही है? नहीं मैम, कोई घाटे में चल रही है, किसी टाइम पे 3 ऑर्डर पे 1000 रुपये देते थे, अब 14 ऑर्डर पे उसमें हमको 1100 दे रहे थे। उल्टा अगर सीजन शादियों का है, दिवाली का सीजन है, काम बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए, इन्होंने उल्टा कम कर दिया हमारे। कोई हमें बताया नहीं गया पहले कि ये होगा वो, कल रात को इंस्टेंट हमको बताया गया कि 14 ऑर्डर पे 800 रुपये कल से ये लागू है जी, बस इसलिए कुछ नहीं। जो है वो सुबह में निकल कर सामने आता है मैम, सुबह हम काम करना शुरू होते हैं 9 बजे, रात को 12 भी बजते हैं, रात को 1 ही बजता है, कोई टाइम नहीं हमारे घर जाने का, हमें यहाँ से भेजते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी मेहनत के साथ ऑर्डर जो है वो डिलीवर करते हैं। जी जी मैम जी, करना पड़ता है, क्या करें, घर जाना है, बच्चे पालने हैं, करना पड़ता है। यहाँ से हम लोग को ये ऑर्डर डालते हैं, ये पहलवान से ही है, पहलवान से हम जो जाते हैं, कभी हमें भेजते हैं 5 ग्राही, यहाँ से 12-13 किलोमीटर बंद भेजते हैं हमको, बंद टोल प्लाजा, उसके बाद हमें भेजते हैं जगती, भेजते हैं जगती कॉलोनी, भेजते हैं 18-18 किलोमीटर मिश्री वाला दूर, मिश्री वाला तक भेजते हैं हमको, मतलब 15-15 18-18 किलोमीटर हम जाते हैं, जाना पड़ता है, क्या करें, कस्टमर ने ऑर्डर किया हम जाते हैं फिर भी, बट फिर भी कंपनी हमारी बात ना सुने, फिर कोई बात ही नहीं है। हमें एक ही बात है बस कि हमारी जो रेट कार्ड है वो पुराना वापस आइए, वो होता है ठीक है, वरना जब तक नहीं होगा हम सही करेंगे हर हाल में।
कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, आपको पहले भी बताया था मैंने कि हमारा जो रेड कार्ड है वो हमें वापस चाहिए, हमें इस रेड कार्ड पे हमें काम करना नहीं, ये फ़ायदा नहीं है हमें, हमें नुकसान हो रहा है। देखो आपको पहले भी बताया कि जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो राइडर को भी, अगर कंपनी जो है वो आपकी नहीं मांग जो है, आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं करेगी, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये, तब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। तब तक आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, और वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पहलवान के सामने ये यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरें आप शायद नहीं देख पाए, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगी, पहलवान के सामने खड़े हैं, और जिस तरीके से डिलीवरी बॉय जो अपनी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ आपका खाना जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो डिलीवर देता है, आपको पहुँचाता है, और वहीं पर ये लोग देख सकते हैं आप आज सड़कों पर उतर आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो रेट लिस्ट है पुराना वाला, वही सेम रेट लिस्ट जो है फिर से लागू किया जाए। और आपको फिर बताते चलें कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सुबह के वक्त इन्हें एक ऑर्डर जो है वो नोटिफिकेशन जो है आप सामने आती है कि आपका रेट लिस्ट जो है इस हिसाब से आज से शुरू होगा, लेकिन इनकी यही साफ तौर पे डिमांड है कि इनकी जो पुराना रेट लिस्ट है वही पुराना रेट लिस्ट इन्हें फिर से लागू किया जाए। और आपको फिर बताते चले कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो हम स्ट्राइक पर ही बैठेंगे। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल।